तो कैसे हो तुम सभी लोग। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा ओमनीट्रिक्स के ऐसे टॉप 5 ग्लिचेस के बारे में जो तुम लोगों को सीरीज़ में, मतलब हम सबको सीरीज़ में देखने को मिला है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, और चैनल पर नहीं हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। हम 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है, और एक अंडे मुझे राजूदास भाई ने सजेस्ट किया था, और ऐसे कमेंट करो ना यार। तो नंबर 5 पर जो ग्लिच आता है वो है फ्यूजन ग्लिच। तुम लोग को इस ग्लिच के बारे में पता होगा, मैं पेनिंग क्लासिक में पहली बार देखने को मिला था एक ग्लिच, और एक ग्लिच तब मिला था जब बहन ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी, मतलब उसका ऊपर का एक ढक्कन उसने हटा दिया था, तब एक ग्लिच उसमें आई थी। और तुम लोगों को पता है बहन क्लासिक ने हमारे बहन ने कितनी बार उससे छेड़छाड़ की थी। तब ये होता है कि एक एलियन के साथ दूसरा एलियन का फ्यूजन कर देता है, लेकिन बहन चूज नहीं कर सकता कि वो कौन सा एलियन के साथ कौन सा एलियन फ्यूजन करेगा, और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये बायोमेट्रिक्स के जैसा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा खतरनाक था, लेकिन आगे जाकर एक ग्लिच ठीक हो गया था। तो नंबर 4 की तरह आता, नंबर 4 पर आता है बेन जेंटेन ग्लिच। अगर तुम लोगों ने बेन जेंटेन की रिबूट वर्शन मूवी देखी तो तुम लोगों को जरूर पता होगा, उसमें जनरेटर रक्स ने बेन जेंटेन के ओमनीट्रिक्स में थोड़ी सी छेड़छाड़ की वजह से बेन जेंटेन का ओमनीट्रिक्स एक तरह से सबको एलियंस में कन्वर्ट कर रहे थे, मतलब कि बेन जेंटेन के ओमनीट्रिक्स में जितने भी एलियंस हैं उन सारे को लोगों में कन्वर्ट कर रहे थे। तो यही था, और हमारे जनरेटर रक्स को भी नहीं पता था ये क्या हो रहा है, लेकिन आखिर में जाकर सब कुछ ठीक हो जाता है। जनरेटर रक्स ने जब सब ठीक कर देता है और वापस सब लोगों को ठीक करा रहा है, वह उनमें से वो डीएनए खींच के उसके अंदर डाल दिया था। तो यह था नंबर 4 का। तो नंबर 3 पर आता है बेंडन डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस का ग्लिच। अगर तुम लोगों ने वो मूवी पूरा देखा तो तुम लोगों को पता है उस मूवी में क्या होगा। ग्वेन ओमनीट्रिक्स में एक जादू करने दिए बूस्टर खोलने वाला, तो उसके वजह से ओमनीट्रिक्स में थोड़ा छेड़छाड़ होकर वो सारे लोगों के एलियंस में कन्वर्ट कर रहा था। एस्मत को एक टॉक स्टार बना दिया था, और उसके माम डैड को एक वार्डिनेंसर और हीट ब्लास्ट बदल दिया था। हीट ब्लास्ट का स्पीशीज का नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो और उसके बाद तो डेट्रैक्स एस्मत के डैड और गोयन और उसको ही ओमनीट्रिक्स के अंदर तक ले जाते हैं। तो तुम लोग समझ जाओ कि वो कितना खतरनाक ग्लिच होगा, लेकिन अंत में जाकर एस्मत सब कुछ ठीक कर देता है कैसे भी कर। तो नंबर 2 पर जो ग्लिच आता है वो है ओमनी एनहांस ग्लिच। अगर तुम लोगों ने बेन रिबूट का वो एपिसोड देखा तो तुम लोग अच्छे से पता है उस एपिसोड में क्या हुआ था। होता है कि बेन अपग्रेड में चेंज होकर ओमनीट्रिक्स के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसमें मास्टर कंट्रोल अनलॉक हो जाता है, लेकिन उसके वजह से उसमें थोड़ी सी खराब हो जाता है कि शॉकरो का डीएनए उसमें लीक हो जाता है और हर एक एलियन के डीएनए के साथ मिक्स्ड हो जाता है, फिर तुम लोगों को तो पता ही होगा। लेकिन उसमें एक एडवांटेज ये हो गया कि ओमनीट्रिक्स अपग्रेड तो हो ही गया, लेकिन फिर भी वो बहुत खतरनाक ग्लिच था। लेकिन तुम लोग जानते हो उनमें जाकर ओमनीट्रिक्स ठीक हो जाता है, लेकिन इसके पहले बेन को एक नया पावर मिल गया था, और उससे तुम लोगों को पता है उसने क्या क्या किया है। तो नंबर 1 पर जो आता है वो है अल्टीमेट्रिक्स ग्लिच। वैसे अल्टीमेट्रिक्स में बहुत सारे ग्लिचेस हैं जिसे बताने के लिए बहुत सारा वक्त लग जाएगा, यहाँ तक एक वीडियो में तो कंप्लीट बताना लगभग नामुमकिन है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उस ग्लिच की जो है अल्टीमेट सैक्रिफाइस में हमें दिखाया गया था, और तुम लोग जानते हो कितना खूनकार और ख़तरनाक ग्लिच है। इस ग्लिच ने तो बेन की जान लगभग ले ली थी, और तुम लोगों को पता है इसकी वजह से अल्टीमेट एलियन जिंदा हो गए थे। वैसे तुम लोग जानते हो आखिर में जाकर सब कुछ ठीक हो जाता है। वैसे इसका एडवांटेज हुआ है कि अल्टीमेट एलियंस पहली बार एक्सिस्टेंस में आए थे उस दुनिया में, मतलब कि तुम लोग जानते हो अल्टीमेट एलियंस उस समय में तो कभी एक्सिस्ट ही नहीं हो सकते, उससे लिए तो लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, लेकिन पहली बार उस ग्लिच की वजह से वहाँ पर अल्टीमेट एलियंस जिंदा हो गए। तो होप करता हूँ कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं 20 लाइक्स, तो प्लीज़ कंप्लीट करो, जल्दी से जल्दी उस लाइक एम को क्लिक करो, और चैनल पर नहीं हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। देख रहे हो हम 100 सब्सक्राइबर्स के कितने सारा करीब है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना, लाइक एम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।